हेलो फ्रेंड्स, एमआईडी पे 30 का माइलेज निकालने के बाद बहुत सारे लोगों का कहना था कि साहब अब टैंक टू टैंक करके दिखा दीजिए कि माइलेज सुधरने के बाद क्या टैंक टू टैंक वाकई में माइलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर सिर्फ एमआईडी की बातें हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टैंक टू टैंक करके बताऊंगा, और टैंक टू टैंक स्पेशली इसके लिए नहीं करने जा रहा हूं। मेरा ट्रिप है, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से दिल्ली दरियागंज, और दरियागंज में पूरा घूमने के बाद वहां से वापस आऊंगा। अप्रोक्स 600 किलोमीटर के आसपास का ये ट्रिप होगा, और इस 600 किलोमीटर के ट्रिप में आपको मालूम है कि हाईवे भी मिलेगा मुझे, और बीच में दिल्ली के अंदर जो घूमूंगा मैं, दिल्ली के अंदर वो लोकल आप सिटी समझ लो। चलते हैं आगे। पहले तो एक काम करता हूँ, मीटर यहीं ट्रिप कर देता हूँ और जीरो, राइट। अब टैंक फुल कराऊंगा। एक चीज, अभी मुझे निकलना नहीं है, अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:06, ठीक है, लेकिन मैं निकलूंगा यहाँ से रात के 12-1 बजे के आसपास। ये आ गए जी हम पेट्रोल पंप, अभी टैंक फुल हो रहा है हमारा, अप्रोक्स 20-25 लीटर के आसपास तो आना ही चाहिए। कट हो गया, कट से ऊपर तक करना है भाई, तो हाँ ऊपर तक आ जाएगा सब। बस यहाँ तक आ गया, ठीक है, डन। ये आ गया जी टैंक यहाँ तक, अब यहीं तक फुल करेंगे वापसी में भी। लगा दो भाई साहब, लीटर कितना हुआ, 26.23। एसी ऑफ, और अब आ गया यहाँ पर हमारा टैंक फुल, और बाकी की चीज़ें आगे अपडेट करता हूँ आपको। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, घर से निकल गए थे लगभग 3 बजे के आसपास, और अभी गाड़ी का माइलेज जो शो हो रहा है एमआईडी पे 13.3। रोड की कंडीशन क्या है मैं एक बार दिखाई देता हूं आपको। अब जाके ये रोड आई है, इससे पहले थोड़ी सी खराब वाली रोड चल रही थी। अभी मैं इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा लाइट फुट चलाने की कोशिश नहीं करूंगा, इन पिछली कंडीशन में मैंने हमेशा लाइट फुट चलाया, लेकिन अभी थोड़ा सा नॉर्मली चलाऊंगा कि एक नॉर्मल आदमी जिस तरह से गाड़ी को चलाता है वो समझ सके कि हाँ मैं बेस्ट टू बेस्ट माइलेज तो नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं निकाल पाऊंगा, और कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आगे चीज़ें आपको अपडेट करता हूँ एज इट इज़ जो है वैसे ही। तो अभी गाड़ी चल चुकी है हमारी लगभग 137 किलोमीटर, और एमआईडी पे माइलेज कितना शो हो रहा है वो भी बता देता हूँ आपको। लेकिन पहले ही बता दूँ, मैंने अभी जो गाड़ी ड्राइव की ना, बहुत ज़्यादा माइलेज को ध्यान में रख के ड्राइव नहीं की है, थोड़ा थोड़ा गाड़ी को मैं दबा भी रहा हूँ, 90 तक भी जा रहा हूँ, और 90-95 तक गया, 100 टच नहीं किया। लेकिन हाँ स्पीड लिमिट वाली लाइट बार बार क्रॉस कर रही है, और ये गाड़ी देखो जी क्या हाल हुआ इसका। अरे यार एक बंदा अंदर सो भी रहा है, एक नहीं दो सो रहे हैं गाड़ी में, उल्टी गाड़ी, वेरी गुड। और एम आई डी पे जो अभी मीटर शो कर रहा है वो शो कर रहा है 23.3। ये देख लीजिए, अभी थोड़ी सी मैंने स्पीड स्लो की थी, वैसे 80-90 में चल रहा हूँ, अभी 100 भी जाऊँगा। और टायर प्रेशर ये देखिए, मैंने TPMS भी एक लगा रखा अलग से, और टायर प्रेशर ठीक ठाक ही शो कर रहा है, 27, 26, 24, 27, इस पीछे वाले में हल्का सा 1-2 पॉइंट का फर्क है। अभी देखिए मैंने काफ़ी देर से स्पीड जो मेंटेन कर रखी है लगभग 90 मेंटेन कर रखी है, 90-95 कभी 100, तो इस स्पीड पे भी चल रहा हूँ। और एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, फ्यूल इकोनॉमी के कितना फ़र्क पड़ रहा है, एवरेज देखिए MID पे जो अभी शो कर रहा है 23.3, बस इस पे ही रुका हुआ है कांस्टेंट बहुत देर से, जब से मैंने 95 और ये 100 वाला शुरू कर दिया पैटर्न तब से। और एक चीज़ खास बात यह है देखने की, देखो मैं हाईवे पे चल रहा हूँ कंटिन्यू, और ट्रिप मैंने कर ली लगभग 186 किलोमीटर, और अभी तक मैंने इको मोड यूज़ नहीं किया, सिटी मोड में ही चल रहा हूँ। और इसके बाद के माइलेज जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम से पहले के माइलेज थे, कई बार मैंने इको मोड को ट्राई किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिटी मोड जो है यही इस गाड़ी के लिए परफेक्ट मोड है। आपको सिटी में चलना हो, आपको हाईवे पे चलना हो, मोड के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, सिटी मोड में ही रहने दीजिए, परफेक्ट माइलेज जो गाड़ी है वो निकालेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इंजन अंडर पावर है, सीधी सी बात है, कई बार जब गाड़ी फ्लाईओवर पे चढ़ रही होती है और आप अपने पैडल से क्रूज बनाने की कोशिश करते हैं, क्रूज बनाने का मतलब क्रूज कंट्रोल जैसा, आपने एक जगह उसको रोक के रख दिया, फ्लाईओवर पे चढ़ रही गाड़ी तो आप देखोगे एकदम उसको पावर की जरूरत हो रही है, धीरे धीरे स्पीड डाउन हो रही है, फिर जब नीचे उतर रही है फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तो उस कंडीशन में मुझे लग रहा है कि इको मोड ज़्यादा इंटरप्ट करता होगा, तो सिटी मोड मेरे हिसाब से परफेक्ट एक मोड है, इस मोड में हमको चलना चाहिए। और अभी दिल्ली लगभग अब एंटर होने ही वाले हैं, दिल्ली के अंदर जब घुस जाएंगे तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, और फिलहाल गाड़ी चलाने में कंफर्ट है और कोई प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर है नहीं,
सीट वाली प्रॉब्लम आपके साथ पहले भी शेयर की थी मैंने, अभी भी शेयर कर रहा हूँ, सीट इतनी ज़्यादा कुछ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होती है। बाकी ठीक है, चल रहे हैं अभी लॉन्ग रोड के लिए, गाड़ी अच्छी थोड़ी सी जम के चलती है, स्टेबल है चलने में, स्टेबल दिख रही है आपको गाड़ी, चलने में फील आ जाता है, बैठने में लगता है कि हाँ गाड़ी स्टेबल है, थोड़ा सा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल गया है। ये आ गए जी अस्थाई मोड़। ये स्पीड ब्रेकर वगैरह ना इसमें बहुत ज़्यादा फील नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि स्पीड ब्रेकर अचानक आ जाते हैं, क्रॉस कर जाती है गाड़ी, तो इतना फील नहीं होते, जबकि छोटी गाड़ी में अगर आप एक हैचबैक में या होंडई की न्यूज़ वगैरह ले लो तो उसमें बहुत ज़्यादा फील आता है स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद। तो अभी फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ गया, अभी तक किलोमीटर में आपको दिखा दूँ ट्रिप के कितने हुए, 265 और MIDP पे माइलेज शो हो रहा है 23.5। तो अभी फाइनली टाइम हो गया है 3 बज गए जी, और अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपने शहर की तरफ। किलोमीटर चल गई गाड़ी 267, MID पे शो कर रहा है 23.1। तो अभी मैं ये दिल्ली से बाहर निकलता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ क्या चल रहा है। तो फिलहाल दिल्ली लगभग क्रॉस कर दी है मैंने, और दिल्ली से बाहर आ गया अपने NH 24 पे जी, मुरादाबाद 132 किलोमीटर और हल्द्वानी 230 किलोमीटर, तो अप्रोक्स 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अभी और जाना है हमको। MID पे शो कर रहा है 23.4 और फ्यूल का लेवल इतना है अभी, हाफ से एक पॉइंट ऊपर है, गाड़ी चल गई है 307 किलोमीटर। अभी तक SH गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, और मैं अभी तो खींच के भी चला रहा हूँ गाड़ी को, खींच के मतलब मेरा खींच के भी 100 के ऊपर नहीं जाता है, बस इतना समझ लीजिए। पहले मैं बिल्कुल लाइट फुट चला रहा था, बेस्ट टू बेस्ट माइलेज निकाल सकूँ वैसे, लेकिन अब एक नॉर्मल इंसान जैसे गाड़ी चलाता है बस उस तरह से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा माइलेज का नहीं सोच रहा हूँ, बीच बीच में इतना ध्यान से देख भी नहीं रहा, बस मैं चलता जा रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे, लगभग हमारी सिटी आने वाली है, कुछ देर पे आ जाएगी सिटी, और वहाँ चल के टैंक टू टैंक भी अब दिखा दूंगा, अभी तो ये MID शो कर रहा है ना, अब टैंक टू टैंक दिखाऊंगा मैं आपको। और टैंक जो हमने लास्ट टाइम भराया था वो आपने देखा था कि बिल्कुल ऊपर तक टैंक मैंने फुल कराया था, फिंगर से टच करके भी दिखाया था। तो अभी चलते हैं आगे। तो अभी फाइनली मुद्दे की बात, टैंक टू टैंक माइलेज कितना आया, क्योंकि अब मैं पहुंच गया हूं वापस अपने शहर में, और सेम उसी पेट्रोल पंप पे आ गया जहां से हम जब चले थे तो टैंक फुल करा के चले थे। तो मैं जब निकला तो थोड़ा बहुत मुझे कोहरा भी मिला, बहुत अच्छी स्पीड नहीं पकड़ पाया था, रुक रुक के चला, फिर आगे जाके जब कोहरा छटा तो एक अच्छी स्पीड भी मैंने बनाई। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखा कि मुझे अच्छे से अच्छा माइलेज निकालना है, मैंने सेम वैसे ही गाड़ी को चलाया जैसे एक नॉर्मल इंसान गाड़ी को चलाता है, बहुत ज़्यादा भगाना भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, मतलब एक ठीक ठाक गाड़ी को चलाया। अब वहाँ से आया हूँ तो आते समय भी मैंने कई जगह स्टॉपेज लिए, कई जगह शहर के अंदर गया, कई जगह रास्ता भी भूल गया, मतलब लोकल भी उसमें इंक्लूड हो गया, सिटी भी सारी कुछ इंक्लूड हो गई, एक तरह से जो प्रैक्टिकल माइलेज है गाड़ी का वो इस ट्रिप का अभी टैंक टू टैंक आपका निकल के आ जाएगा। और दूसरी चीज़ अभी ये भी आपको बता दूंगा फाइनली कंक्लूजन, किन लोगों को ये पंच लेनी चाहिए, किन की रनिंग कितनी है, तो मैं जितना समझ पाया हूँ वो भी आपको समझा दूंगा। कट हो जाएगा ना, कट होने के बाद ऊपर तक करना, 22 लीटर पे कट हो गया, अब ऊपर तक कर दीजिए। तो अभी कितना आ गया, 24 लीटर, राइट, एक्यूरेट। तो अभी एक मिनट आगे चलते हैं, मैं माइलेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फ्यूल आया है जी कितना, 24 लीटर पेट्रोल आया, और अब MID में कितना शो हो रहा है ये देखो, 24.1 का माइलेज। टोटल ट्रिप कितने की है, 529। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 529 डिवाइड बाई 24 लीटर, तो साहब जो माइलेज निकल के आ रहा है 22.04 और यहाँ आ रहा है 24, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन फिर भी 22 का माइलेज एक बहुत अच्छा माइलेज है। अब इस पंच को जिन्होंने मुझे सेल किया था, क्योंकि मैंने ये ली थी एज ए यूज्ड कार, उन्होंने माइलेज से परेशान होके इस गाड़ी को सेल कर दिया था, और अब मैंने क्या किया, कैसे किया इसको, वो तो ऑलरेडी मैं वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। अब किसको ये पंच लेनी चाहिए ये समझ लीजिए। देखिए, अगर आपकी रनिंग हाईवे पे है और अच्छी खासी ज़्यादा रनिंग है, मोस्टली ज़्यादा रनिंग वाले लोग क्या कहते हैं, डीजल कार चुनते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि डीजल कार को ना लेते हुए आप इस पंच को बहुत आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन लोकल के अंदर आपको माइलेज का थोड़ा बहुत इशू आएगा, एक नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, तो फिर आपके लिए पंच एक मौके का सौदा है,
इसको उठा सकते हैं, लेकिन अगर इस क्राइटेरिया में आप मैच नहीं करते, लोकल में ज़्यादा चलते हैं या फिर आपको गाड़ी का पंच ज़्यादा चाहिए, पिकअप अच्छा चाहिए, एक पावरफुल इंजन चाहिए, तो फिर आप इस पंच को इग्नोर करके दूसरी गाड़ी पे जा सकते हैं। ये था मेरा एक रियल ओपिनियन जो मैंने फील किया इस पंच के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मन में इसके अलावा भी कोई सवाल आता हो तो नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।